शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी कवल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने प्यारों के साथ घरों पर। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है सिंधी बिरयानी। सो सिंधी बिरयानी के लिए ये कुछ इन्ग्रीडियंट्स हैं। ये हाफ पंच ऑफ मिंट है, ग्रीन चिलीज हैं, ये योगर्ट है एंड स्पाइसेस हैं ऑल, एंड गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट है, और शान सिंधी बिरयानी का पैकेट है, एंड चिकन जो है 700 ग्राम है। तो जी, राइस जो है मैंने 3.5 कप लिए हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो है आप स्टार्ट में देख लीजिएगा, चार्ट मैंने बनाया हुआ है। ये जी योगर्ट है, हाफ जो कप है योगर्ट जो है मैं चिकन में ऐड कर दूंगी, और सारे स्पाइसेस जो हैं वो भी चिकन में मैं ये ऐड कर दूंगी, और ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये भी ऐड कर लूंगी, और ये मिंट्स जो हैं वो भी ऐड कर दूंगी, जिंजर गार्लिक के 2 टेबल स्पून डाल दूंगी, टोमेटो जो है हाफ कैन डाल दूंगी, एंड जो ये पैकेट है सिंधी बिरयानी का ये मैं हाफ पैकेट जो है चिकन में डाल के अच्छे से मिक्स करके। साबुत मसाला एंड शान पैकेट एंड ये ग्रीन जो हमने डाले हैं चिलीज़ एंड मिंट हो गए, अच्छे से जैसे इसमें जो है ना यकजान हो जाए, स्पून की मदद से इसको मिक्सअप करना है। कवर अप करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। एंड जी, नेक्स्ट डे जो है मैं बिरयानी बना रही थी, तो उसके लिए मैंने ये जो है ऑयल पॉट में डाला, और 2 मीडियम साइज़ के अनियन जो है कट करके डाल दिए। इनको मुझे जो है लाइट गोल्डन करना है। सो ये जी वो चिकन है जो ओवरनाइट के लिए मैंने सारे स्पाइसेस लगा के रखी थी। देखे कैसे जूसी हो गई है, और सारे स्पाइसेस इसमें जो हैं कम्प्लीटली मिक्सअप हो गए हैं, और ये जी ऑनियन मेरे जो है वो गोल्डन हो गए थे, तो उसमें मैंने ये सारे चिकन जो ओवरनाइट रखा था स्पाइसेस लगा के ऐड कर लिया है। ये जो है चिकन अच्छे से इस प्याज में हमें भूननी है, जैसे कौरमा रेडी हो जाए बिरयानी के लिए। मैं ये तह की बिरयानी बनाऊंगी, और हमेशा मैं तह लगा के ही बनाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बिरयानी का आता है। अगर आप ऐसे चिकन बना लो सालन एंड चावल ऐड कर लो, तो वो बिरयानी नहीं कहलाती, वो पुलाव कहलाता है या चिकन की तहारी कह लें। सो जी ये देखें, इधर जो है बिरयानी के लिए कौरमा रेडी हो रहा है बिल्कुल। जब ये ऑयल बिल्कुल ऊपर हो जाएगा तो समझ लें कौरमा रेडी हो गया है तह लगाने के लिए। अब ये जो है इसमें मैं पोटैटोज डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें, क्योंकि मेरे बच्चे पोटैटोज बहुत शौक से खाते हैं, और ये मैंने प्लम भी डाल दिए हैं क्योंकि कौरमा रेडी हो गया था। तो जस्ट अब ये जो है पोटैटोज एंड ये प्लम मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ, क्योंकि पोटैटोज और जो प्लम होते हैं जब हम बिरयानी को दम लगाते हैं तो उसमें अच्छे से जो है पक जाते हैं,
और ये दूसरी तरफ मैंने पानी जो है उबलने को रख दिया था, और ये राइस उसमें ऐड करके देखे ये मैंने रेडी कर लिए थे, और आधा कच्चा रखा था मैंने राइस को कि जैसे दूसरे दम लगाऊंगी तो उसमें अच्छे से जो सालन का मसाला होता है ना राइस में जब्स हो जाएगा। सो ये नीचे मैंने सालन लगाया है, कलर डाल के ऊपर मैंने राइस डाले हैं, मिल्क थोड़ा सा ऐड कर लिया है क्योंकि मिल्क से जो है फूड कलर में बहुत अच्छा कलर आता है। और फिर अगेन मैं ये सालन की तह लगाऊंगी। और सो सालन की तह लगाने के बाद इसमें मैंने जो है राइस लगा दिए तह। फिर राइस लगाने के बाद इसमें जो है मैंने फूड कलर ऐड किया और टमेटोज काट के डाल दिए और कोरिएंडर और ग्रीन चिली डाल के मैंने ऊपर से ऐसे गार्निशिंग कर ली है। फिर ये बीच में ऐसे मैं ऐसे राइस के होल करती हूँ क्योंकि जैसे स्टीम ऊपर राइस में भी आए और बिरयानी अच्छे से पक जाए। समटाइम्स ये होता है कि नीचे से राइस सारे पक जाते हैं और ऊपर के राइस जो है कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए मैं ये जो है बीच में बिरयानी के ऑलवेज जब भी बनाती हूँ मैं तो बीच में होल करती हूँ कि जैसे स्टीम ऊपर आए और ऊपर वाले राइस जो तह लगी हुई वो भी अच्छे से पक जाए। फूड कलर एंड टोमेटोज गार्निशिंग करने के बाद जो है मैंने बिरयानी को 20 मिनट्स जो है दम पे लगा दिया था। सो बहुत ही यमी टेस्टी एंड ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी बिरयानी की। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती है बिरयानी। मैं तो बिरयानी की दीवानी हूँ, ऑल टाइम फेवरेट मेरी बिरयानी है ये। सो जी दम देने के बाद देखें आप बिरयानी का ये लुक आया था, बहुत ही यमी एंड टेस्टी एंड जूसी बिरयानी बनी थी। स्पाइसेस मैंने थोड़े कम डाले थे बिकॉज मेरे बच्चे स्पाइसेस कम खाते हैं। सो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और अभी इसकी जो है हम सर्विंग करते हैं, दिखाएंगे आपको कैसा टोटली लुक आया है बिरयानी का। जी ये लें मैंने बिरयानी जो है सर्व कर ली है, और बहुत ही ज़बरदस्त एंड यम्मी एंड टेस्टी बिरयानी बनी थी। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई एंड बच्चों को भी। अब आप लोगों के कमेंट्स का एंड रिव्यू का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी एंड ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी एंड टेस्टी फ्लेवर आता है अगर आप ओवरनाइट स्पाइसेस लगा के चिकन को रख दें और रायते और सलाद के साथ, तो जो है मज़ा दोबाला हो जाता है बिरयानी का। और बिरयानी तो जो है हर महफिल की शान होती है, कहीं भी जाओ, शादी में जाओ, मिलाद में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बिरयानी ज़रूर होती है। सो हम तो बिरयानी लवर्स हैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा फूड ज़्यादा पसंद है, बिरयानी या कढ़ाई। मुझे तो बिरयानी पसंद है, अगर बिरयानी के सामने कोरमा पड़ा हो, कढ़ाई रखी हो, तो मैं सब कुछ छोड़ के बिरयानी खाती हूँ। सो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।